इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है क्या आपको पता है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और फोकस्ड फंड कैटेगरी में क्या डिफरेंस है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स लार्ज मीडिया कैप के स्टॉक्स में किसी भी प्रपोर्शन में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिमिलरली फोकस्ड फंड पे भी मार्केट कैप का किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है वो भी किसी भी प्रपोर्शन में लार्ज मीडिया स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी एंड फोकस्ड फंड कैटेगरी में सिर्फ नंबर ऑफ स्टॉक्स का डिफरेंस होता है फोकस्ड फंड्स मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जबकि फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स पे नंबर ऑफ स्टॉक्स का किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है दैट्स जब आप फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स का नंबर ऑफ स्टॉक्स चेक करेंगे तो कुछ फंड्स के लिए वो थर्टी या उससे भी कम हो सकता है लेकिन साथ ही कुछ फंड्स में ये मोर देन सिक्सटी भी हो सकता है जबकि फोकस्ड फंड्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स हमेशा ही थर्टी या फिर उससे कम होगा इस वीडियो में हम टॉप थ्री फोकस्ड फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे एंड लाइक माय ऑल अदर म्यूचुअल फंड वीडियोस मैं इस वीडियो में भी आपको सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा इन टॉप थ्री फंड्स के बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा जिससे हम इन टॉप थ्री फंड्स को सेलेक्ट करेंगे टॉप फोकस्ड फंड का सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि नेक्स्ट फ्यू डेज में हम अपने यूट्यूब चैनल में म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज के टॉप डिटेल्ड अपडेटेड वीडियोस पब्लिश करेंगे फोकस्ड फंड कैटेगरी में टोटल 24 स्कीम्स हैं आउट ऑफ दिस 24 स्कीम्स सबसे पहले हम उन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू स्कीम्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना थ्री इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है और साथ ही वैसे स्कीम्स को भी हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका ए वी एम दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट फाइव हंड्रेड करोड़ से कम है सो आउट ऑफ दिस ट्वेंटी फोर फंड जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं बी एन पी परिवास फोकस्डेंटी फाइव इक्विटी फंड एच एस बी सी फोकस्ड इक्विटी फंड ईडी बी आई फोकस थर्टी इक्विटी फंड इन्वेस्को इंडिया फोकस ट्वेंटी इक्विटी फंड जे एम कोर इलेवेन फंड कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड महिंद्रा मनु लाइफ फोकस्ड इक्विटी योजना मिरे एसेट फोकस्ड फंड क्वांट फोकस्ड फंड टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड एंड यूनियन फोकस्ड फंड वी आर लेफ्ट विथ थर्टीन यहां पे मैंने इन थर्टीन फंड्स का रिटर्न शो so किया है अक्रॉस वन ईयर थ्री ईयर फाइव ईयर एंड टेन ईयर होराइजन विध रिस्पेक्ट टू इट्स मार्क आउट ऑफ दीजी हम वैसे फंड फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि थ्री या फोर होराइजन में अपने बेंच मार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे हम एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा पे करते हैं इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि ये फंड्स कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंच को जरूर बीट करें सो आउट ऑफ दीज थर्टीन फंड जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस वो फंड्स हैं डी एस पी फोकस फंड एच डी एफ सी फोकस थर्टी फंड आई डी एफ सी फोकस्ड इक्विटी फंड एल एन टी फोकस्ड इक्विटी फंड एंड मोतीलाल ओसवाल फोकस ट्वेंटी फाइव फंड

टू परसेंट के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं सो आउट ऑफ दीज एट हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सनलाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड से अप्रूव फोकस्ड इक्विटी फंड निपोन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड एंड प्रिंसिपल फोकस्ड मल्टी कैप फंड वंस मोर आई एम रिपीटिंग ऑल दो मैं इन फाइव स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूं लेकिन ये ऑल फाइव स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं क्योंकि कंसिस्टेंटली बेंच मार्क को बीट किया है लेकिन हमें अपना टॉप थ्री फंड चाहिए फोकस्ड फंड कैटेगरी का दैट्स वाई हम इन फाइव फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप थ्री फोकस्ड फंड्स और ये फंड है एक्सिस फोकस 25, फाइव

नाउ हम इन तीनों फंड्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आउट ऑफ दीज थ्री फंड्स हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड बेस्ट है सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक डिटेल्स ऑफ दीज थ्री फंड्स। सो आउट ऑफ दीज थ्री फंड्स एक्सिस फोकस ट्वेंटी फाइव एंड एस बी आई फोकस्ड इक्विटी फंड का ईव एम दैट इज एसे मैनेजमेंट काफी बड़ा है लेकिन आई एफ एल फोकस्ड इक्विटी फंड का ईव एम छोटा है सो so, यहां पे ऑल दो एक्सिस फोकस 25 फाइव एंड एस बी आई फोकसड इक्विटी फंड का ईव एम ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ से ज्यादा है लेकिन अगर ये दोनों फंड्स का एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा है तो ये बड़ा ईव एम हमारे लिए कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए एक्सेस फोकस 25 फाइव फंड ने सिर्फ 24 फोर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने ट्वेंटी फाइव स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है जबकि आई फोकस्ड इक्विटी फंड ने 30 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है एक्सपेंस रेशियो वाइज आई फोकस्ड इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर टू फंड नाउ हम इन थ्री स्कीम्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे अक्रॉस थ्री ईयर होराइजन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा से हमें किसी भी फंड के रिस्क के बारे में पता चलता है ये दोनों पैरामीटर जितना कम होगा उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा जबकि सार्प रेशियो एन अल्फा से हमें किसी भी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का पता चलता है ये दोनों पैरामीटर्स जितने ज्यादा होंगे उस फंड को उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा सो रिस्क वाइज एस फोकस्ड इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिवेशन एंड बीटा रिलेटिवली कम है जबकि आई फोकस्ड इक्विटी फंड का सार्प रेशियो एंड अल्फा ज्यादा है एस कंपेयर टू अदर टू फंड्स सो थ्री ईयर होराइजन में रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर वाइज नंबर वन फंड होगा आई एफ एल फोकस्ड इक्विटी फंड नंबर सेकेंड फंड होगा एस बी आई फोकस्ड इक्विटी फंड एंड नंबर थर्ड फंड होगा एक्सेस फोकस्ड ट्वेंटी फाइव नाव इन थ्री फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि ये थ्री फंड्स अपने टोटल एसेट का कितना प्रपोर्सन लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं Axis Focus 25 का लार्ज कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 89% IIFL परसेंट आई फोकस्ड इक्विटी फंड का भी लार्ज कैप्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट सेवेंटी परसेंट साथ ही इस फंड ने कुछ एक्सपोजर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी लिया है एस फोकस्ड इक्विटी फंड ने बड़ा एक्सपोजर लिया है इन लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों तरह के मार्केट कैप स्टॉक्स में लार्ज कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है 60.43 परसेंट जबकि मिड कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है 35.12 फाइव परसेंट नॉम इन थ्री फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे एक्सिस फोकस 25 ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज टेक केमिकल्स एंड हेल्थ केयर जबकि आई एफ एल फोकस्ड इक्विटी फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल टेक ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन और एस बी आई फोकस्ड इक्विटी फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल एफ एम सी जी सर्विसेज टेक एंड हेल्थ केयर एक्सिस फोकस ट्वेंटी फाइव का जो सेक्टर लोकेशन है वो क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि आउट ऑफ टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट इस फंड ने इन टॉप फाइव सेक्टर्स में अबाउट एट्टी फोर परसेंट इन्वेस्ट किया है जबकि आई फोकस्ड इक्विटी फंड ने इन टॉप फाइव सेक्टर्स में अपने टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का अबाउट सेवेंटी परसेंट इन्वेस्ट किया है और एस फोकस्ड इक्विटी फंड ने इन टॉप फाइव सेक्टर्स में अपने टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का अबाउट सिक्सटी टू परसेंट इन्वेस्ट किया है सो रिलेटिवली सेक्टर एलोकेशन वाइज एस बी आई फोकस्ड इक्विटी फंड का सेक्टर एलोकेशन ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है नॉम इन थ्री फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे एक्सिस फोकस 25 के टॉप होल्डिंग्स हैं एवेन्यू सुपर बजाज फाइनेंस टी सी एस इन्फोएच एंड कोटक महिंद्रा बैंक आई आई फोकस्ड इक्विटी फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं आई बैंक इन्फोसिस एच बैंक एल एंड एंड भारती एयरटेल जबकि एस बी आई फोकस्ड इक्विटी फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं मुथूट फाइनेंस नेटफ्लिक्स अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है पी एन जी हाइजीन एंड हेल्थ केयर एंड भारती एयरटेल एस बी आई फोकस्ड इक्विटी इक्विटीज में अपने टोटल एसेट का अबाउट 15 परसेंट इन्वेस्ट किया है और जिन यूएस स्टॉक्स में इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं नेटफ्लिक्स अल्फाबेट और एनवीडिया सो स्टॉक पोर्टफोलियो वाइज इन तीनों स्कीम्स के जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो काफी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं एक्सिस फोकस 25 ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 66 परसेंट इन्वेस्ट किया है जबकि आई ए एफ एल फोकस्ड इक्विटी फंड ने अपने टॉप टेन होल्डिंग्स में अबाउट फिफ्टी वन परसेंट इन्वेस्ट किया है जबकि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने अपने टॉप टेन होल्डिंग में अपने टोटल एसेट का अबाउट फोर्टी एट परसेंट इन्वेस्ट किया है सो स्टॉक पोर्टफोलियो में भी एक्सेस फोकस ट्वेंटी फाइव फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है जबकि रिलेटिवली आई एफ एल फोकस्ड इक्विटी फंड एंड एस बी आई फोकस्ड इक्विटी फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है थ्री फंड्स I mean, का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 ये वो पीरियड था जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक इस कंपैरिजन से हमें ये पता चलेगा कि जब स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था तो इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा था एज कंपेयर टू इट्स बेंच यहां पे अगर आप वन ईयर का रिटर्न्स देखें एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 थाउजेंड तो ये ऑल थ्री फंड्स काफी कम गिरे थे एस कंपेयर टू देयर बेंच साथ ही इन फंड्स ने रेस्ट ऑल होराइजन में भी अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया था सो so ओवरऑल यहां भी परफॉर्मेंस वाइज इन तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टॉप थ्री फंड्स ये क्वाइट क्लियर है कि तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस ओवर काफी अच्छा रहा है और साथ ही इनका सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है सो बेसिस योर इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिस्क कैपिटाइट आप कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सो दैट्स इट इन दिस वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग